प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर अपनी लंबित पड़ी 14 सूत्रीय मांग को लेकर उत्तर प्रदेशीय मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी संघ जिला इकाई के सदस्यों ने शुक्रवार को दूसरे दिन भी कार्य बहिष्कार किया और संघ भवन में सभा करके आगे की रणनीति तैयार की। गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संघ के अध्यक्ष हरि नारायण पांडे ने कहा कि अगर सरकार हम लोगों की 14 सूत्रीय मांग को लेकर पूरा नहीं करती है तो पूरे प्रदेश में कलेक्ट्रेट कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने को बाध्य होंगे। उन्होंने कहा एक बार नारा लगाइए, इससे हमारी एकता का प्रदर्शन हो सके। पेंशन पुरानी पेंशन समय सीमा समय सीमा और अगर चाहेंगे कि आप लोग अपना अमूल्य समय जो एक दिन है आज का हमारा धरना और प्रदर्शन इतनी संख्या बल हमारे हमारा नाम हरि नारायण पांडे है, मैं जिलाध्यक्ष हूँ। हमारे बीच में पूरी कार्यकारिणी मंत्री विशेष शुक्ला जी हैं, वरिष्ठ उपाध्याय श्री कृष्ण कुमार गौतम जी हैं, संयुक्त मंत्री श्री रितेश कुमार शर्मा जी हैं, हमारे कोषाध्यक्ष के रूप में श्री ओम प्रकाश जी हैं, ऑडिटर के रूप में श्री बलदाऊ सिंह जी हैं और पूरी मेरे हमारे इंद्रोनी पांडे जी जो इसके संयोजक हैं और हमारे पूर्व के अध्यक्ष राम सिंह जी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष श्री अशोक कुमार गुप्ता जी हैं। सभी लोगों को मैंने एक रूपता के रूप में बात करके इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए मैं ले आया हूं और इसके साथ साथ हमारे सभी कर्मचारी यहां पर एकत्रित हैं और यह संख्या बल जो पूरी कलेक्ट्रेट की है जिला मुख्यालय की हमारी पूरी संख्या बल आ गई है और इसी प्रकार का धरना और प्रदर्शन समस्त तहसीलों में सफल रहा है और सफल चल रहा है। उत्तर प्रदेश मिनिस्ट्रियल कलेक्ट्रेट कर्मचारी के प्रांतीय कार्यकारिणी के निर्देशन में 14 सूत्री मांगों को लेकर के हम लोग दिनांक 29 से अनवरत जो है कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं और 30 तारीख तक हमारा चलेगा। उसमें जो प्रमुख मांग है मिनी सचिवालय और हमारे प्रोन्नत में जो एक समय सीमा की बाध्यता दी गई उसको समाप्त करना है। नायब तहसीलदार के पद पर 10% हमारा जो एक कोटा था पूर्व में इसको जो है लागू किया जाए। हम लोगों को जो हम लोगों का कार्य एक कठिन कार्य है हम लोगों को जो है एक विशेष वेतन भत्ता के रूप में दिया जाए। लेखा संवर्ग अलग से हमारे भी डिपार्टमेंट में काम होता है इसको लेखा संवर्ग का वेतन दिया जाए और पुरानी पेंशन सबसे मुख्य बात है कि हमारी पुरानी पेंशन जो है वह लागू की जाए और ये हमारी सबसे प्रमुख मांगे हैं। और हमारे कलेक्ट्रेट को मिनी सचिवालय जैसा कि सचिवालय में कार्य होता है उसी प्रकार से यहाँ भी कार्य की पद्धति है। हम सभी प्रकार के कार्यों का संपादन करते हैं इस कारण से इसे जो है मिनी सचिवालय घोषित किया जाए। और हम बताना सर अगर ये मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आगे के कार्यक्रम प्रदेश कार्यकारिणी के निर्देशन में हम लोग करेंगे और इसके बाद हम लोगों का कार्य बहिष्कार के अतिरिक्त अब हम लोग पूर्णतया तालाबंदी भी कर देंगे और अपनी मांगों को लेकर के ही शासन से रहेंगे क्योंकि कलेक्ट्रेट का कर्मचारी कभी भी सरकार के विपरीत में आंदोलित नहीं होता है परंतु उसकी मजबूरी हो गई कि शासन के आश्वासन के बाद भी हमारी मांगों को वो पूरा करने में असफल रहे हैं। इस कारण से मजबूर होकर के कलेक्ट्रेट का कर्मचारी आज दिन आंदोलित है।